चले गए सेक्स इन द मॉर्निंग जी भर के नाच लवे भी नाच नाच के तोड़ सैंडल टू अवर चैनल फ्रेंड्स। पिछले एपिसोड में हम लोग थे काशोल और मोनिकरण में, और आज इस एपिसोड में हम आपको लेके चलेंगे पालमपुर धर्मशाला होकर मैक्लॉडगंज। भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में धर्मशाला के पास स्थित मैक्लॉडगंज एक प्रमुख हिल स्टेशन है, जो कि ट्रेकर्स के बीच काफी लोकप्रिय है। यहाँ की संस्कृति कुछ ब्रिटिश प्रभाव के साथ तिब्बती संस्कृति का एक सुंदर सा मिश्रण है। मैक्लॉडगंज एक सुंदर शहर है जो तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के घर होने के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जो ऊपरी धर्मशाला के पास स्थित है। तो अभी हम लोग चलेंगे मैक्लॉडगंज और आपको देते रहेंगे मैक्लॉडगंज की हर एक जानकारी और करेंगे मैक्लॉडगंज की सारा साइट सीन। इसलिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे हम लोग काशोल से चलना शुरू किया था, काशोल से मैक्लॉडगंज की दूरी लगभग 200 किलोमीटर से कुछ ऊपर है, और मैक्लॉडगंज से 60 किलोमीटर पहले आती है बैजनाथ महादेव मंदिर। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे बैजनाथ महादेव मंदिर। पालमपुर के नजदीक इस बैजनाथ मंदिर पूरे हिमाचल की एक खास मंदिर है। इस मंदिर से जुड़ी काफी कथाएं और मान्यता है। विश्व भर के शिव भक्त यहाँ भगवान शिव का आशीर्वाद लेने आते हैं। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार द्वापर युग में पांडव ने अपना अज्ञातवास के दौरान इस मंदिर का निर्माण किया था। अन्य प्रचलित मान्यता अनुसार लंका का राजा रावण, जो कि शिव जी का परम भक्त था, वो विश्व विजयी होने के उद्देश्य से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी। इस तपस्या से भगवान शिव को अभिभूत करने के लिए रावण अपना सिर हवन कुंड में समर्पित करने वाला था। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए और रावण से वर मांगने के लिए कहा। रावण ने भगवान शिव को उसके साथ लंका तक चलने की प्रार्थना की। उसके आग्रह पर भगवान शिव ने लिंग का रूप धारण किया और रावण के साथ चलना शुरू किया। लेकिन भगवान शिव ने एक शर्त रख दिया कि उन्हें लंका पहुँचने तक कहीं भी रास्ते में ना रोके। भगवान शिव ने रावण से कहा कि अगर शिवलिंग रास्ते में कहीं पे भी रख दिया तो वही स्थान पर वो स्थापित हो जाएगा और उसका विश्व विजयी होने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। तब देवताओं ने रावण की इस कार्रवाई से घबराकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। श्री विष्णु ने देवताओं का प्रार्थना स्वीकार करते हुए किसान का रूप धारण किया और इस मंदिर स्थल के निकट खेतों में काम करने लगे। और उधर शिवलिंग साथ में लेकर लंका के रास्ते रावण चलते हुए उनको थकान हुआ और रास्ते में वो किसान को देखा। किसान को सब कुछ समझा कर वो शिवलिंग सौंप दिया और उन्हें जमीन पे रखने के लिए मना किया। लेकिन किसान का रूप धारण किया हुआ भगवान विष्णु ने शिवलिंग जमीन पर रख दिया। इस तरह शिवलिंग उसी स्थान पर स्थापित हो गया। यही है बैजनाथ मंदिर की पुराण कथाएं। बैजनाथ का दर्शन करने के बाद हम लोग धर्मशाला के तरफ चलना शुरू किया और यहाँ से 17 किलोमीटर पे आता है पालमपुर। पालमपुर पूरा देश और हिमाचल में चाय की बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। तो पालमपुर की टी गार्डन में हम लोगों ने वीडियो और फोटो शूट की। टी गार्डन से अभी हम लोग आ गए हैं गुरुद्वारा सिंह साहब पालमपुर में। ये गुरुद्वारा एकदम मेन रोड के ऊपर है, आपको रास्ते में चलते हुए गुरुद्वारा दिखेगा। ये गुरुद्वारा अत्यंत पवित्र और साफ सुथरा है। यहाँ पे हम लोगों ने काफी समय बिताया। अगर गुरुद्वारा में कोई रहना चाहे तो यहाँ पे रहने के लिए भी बहुत सस्ते में अच्छा बंदोबस्त है। लेकिन हम लोग पालमपुर से आगे धर्मशाला होकर सीधा आ गए थे मैक्लॉडगंज में। मैक्लॉडगंज में रहने के लिए डिफरेंट बजट का होटल आपको आसानी से मिल जाएगी, और हम लोग यहाँ पे आकर स्पॉट में होटल बुकिंग किए और हमारे होटल पे चल रहा है ये डीजे नाइट। कम एंड एंजॉय। Bye.
दूसरे दिन हमने शुरू किया मैक्लर्डगंज की लोकल साइट सीन और सबसे पहले आ गए मैक्लर्डगंज की नामग्याल मॉनेस्ट्री जो कि 14th दलाई नामा मॉनेस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये तिब्बत के बाहर सबसे बड़ा तिब्बती मंदिर है जो दलाई लामा का घर का रूप में भी प्रसिद्ध है। ये मॉनेस्ट्री का एक तांत्रिक महाविद्यालय भी है जो कि शिमला में स्थित है। मॉनेस्ट्री से हम लोग आ गए हैं मैक्लॉडगंज की स्काईवे पे। ये स्काईवे 1.75 किलोमीटर लंबा एक रोपवे है जो कि जनवरी 2022 में ही ओपनिंग हुआ है। ये रोपवे से इन वादियों का व्यू देखते देखते मैक्लॉडगंज से धर्मशाला और धर्मशाला से मैक्लॉडगंज आना जाना किया जा सकता है। रोपवे सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुला रहता है और राउंड ट्रिप के लिए लगता है पर पर्सन 500 और वन वे ट्रिप के लिए लगता है पर पर्सन 300। से अभी हम लोग आ गए हैं मैक्लर्डगंज की कालचक्र मंदिर में। मैक्लर्डगंज के मुख्य शहर से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कालचक्र मंदिर का निर्माण सन 1992 में करवाया गया था। बौद्ध धर्म और तिब्बती समुदाय से जुड़ा हुआ कालचक्र मंदिर श्रद्धालु और पर्यटकों में बेहद प्रसिद्ध है। मैक्लर्डगंज से 12 किलोमीटर की दूरी पे धोलाधार श्रृंखला की हसीन कांगड़ा वादी में बसा हुआ है अघंजर महादेव मंदिर। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल ने पांडवों ने करवाया था और ये प्राचीन शिव मंदिर 500 साल से भी ज्यादा पुराना है। माँ बाबा ये दिन होती है ना कि कहीं की ये
वी आर तिबेतन एंड दिस इज अवर स्टोरी। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मैक्लाडगंज में तिबेतियन सुप्रीम जस्टिस कमीशन के बगल में तिब्बती संग्रहालय पे। ये संग्रहालय गर्मी में सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक और सर्दियों में सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। इस संग्रहालय में प्रवेश निःशुल्क है। 30 अप्रैल सन 2000 को 14वीं दलाई लामा ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में तिब्बत संग्रहालय का उद्घाटन किया था। इस संग्रहालय में तिब्बत के इतिहास और धार्मिक ग्रंथों का तस्वीर और वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा इस संग्रहालय में तिब्बत की संस्कृति और इतिहास के बारे में भी बताया जाता है। तिब्बत संग्रहालय में अब तक 30,000 चित्रों का संग्रह किया जा चुका है। और इसके अलावा संग्रहालय में एक यात्रा प्रदर्शनी और तिब्बत निर्वासित होने के बाद के दस्तावेजों का संग्रह किया गया है। तिबेतियन म्यूजियम से निकलने के बाद हम लोगों ने लंच किया। अगर आप मैक्लाडगंज जाएंगे तो आप एक बार जरूर तिबेतियन थाली ट्राई करें। और ये है हमारी नॉन वेज तिबेतियन थाली। फिलहाल के लिए मैक्लाडगंज और पालमपुर का वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होने वाला है, लेकिन इस वीडियो का रिलीज होने के कुछ ही दिनों के अंदर हम लोग फिर से जाने वाले हैं हिमाचल। चलेंगे शिमला से लेकर सराहान और सांगला होकर चिटकुल। भारत और चीन सीमा पे बसा हुआ भारत की आखिरी गांव है चिटकुल। चलेंगे काजा चंद्रताल लेक और 16,000 फुट से ज्यादा ऊंचाई पे बारालाचा पास। और तब तक चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर हिमाचल का बाकी वीडियो आप देख लीजिए। और उससे पहले ही बहुत जल्द आपसे मिलने वाले हैं भारत का एक प्यारा सा दूसरा डेस्टिनेशन में। तब तक के लिए अलविदा।